एमएसएक्स के बंदे या एनएस के बंदे उन पे स्प्रे लेते हैं तो पूरी टीएक्स एक साथ मर सकती है। मेगा मैक्सिमस के ऊपर अगर चलेगा, उन लोगों का सेंटर ऑफ द जोन है, उन लोगों के सामने से मेगा एक स्क्वाड आते हुए लेफ्ट पे, उधर अभी ने किसलिए को अभी नॉकआउट कर चुका है। एंड मेगा स्टार मेगा एक से पैराडॉक्स भी गाड़ी स्लेमेंट कर चुका है वहां पर, एंड तीनों पोजीशन होल्ड कर रहा है। अभी ने ऊपर वैक्सी को नॉकआउट, स्काउट एंड टीम पीछे से पुश करेगा, कभी भी उन लोगों को ज्यादा दूर आने नहीं पड़ेगा। डेव ने ऊपर इवोक को नॉक किया, अभी बहुत ही मुश्किल होने वाला है जो स्क्वाड जोन के बाहर है। एंड यहाँ पे मेगा किसने ने अभी को नॉक किया, अभी ने लेकिन फिनिश ऑफ किया, आई थिंक टेड ने उसको सपोर्ट किया। मेगा की पूरी स्क्वाड यहाँ पे वाइप आउट हो चुकी है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही डेंजरस पुश आते हुए, यहाँ पे बहुत रिएक्शन चल रहा है। एमएसएक्स के ऊपर पुश आया है, एमएसएक्स के ऊपर पुश है एचजी का, एंड एचजी के बंदे नॉक होते हुए शाइडर फिनिश होते हुए ईएसवाई काफी ट्रबल में। एमएसएक्स ने केओ बाहर होल्ड किया अपने लिए, पर मेजर अल्फा ने अपनी टीम को थोड़ा सपोर्ट किया। अब हम देख रहे हैं एसवाईएन ने हेल्प आउट किया, एंड अल्टीमेटली एचजी भी फिनिश और एमएसएक्स भी फिनिश। एमएसएक्स का केओ बचा है, सामने एमएक्स है, पीछे काफी टीम से जोन के बाहर है। टीएक्स के ऊपर जोन बन चुकी है, टीम नंबर 4, टीम नंबर 15 और 12 सभी को जोन के बाहर से अंदर आना होगा। यस, सिनर्जी वहां पर 9 नंबर पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुका है, एंड इस सिनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में उन लोगों को एलिमिनेट कर चुका था। वो अभी राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो कौन से स्क्वाड के कितने बंदे बचे हैं। रिकॉग्निशन से 4 लेकिन एक नॉक, सिनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से 4 लेकिन एक नॉक, स्पार्क से भी 4 लेकिन एक नॉक, मेगा एक्स से 3, फेनिक्स फोर्स से 3 लेकिन एक नॉक, 8 बिट से 2 बंदे, नेपाली होनी से 2 लेकिन एक नॉक, मेगा मैक्सिमस एक से अकेले बंदा क्यों शैक के अंदर होल्ड करके बैठा है। इधर पेन वाइपर वाईटी को नॉकआउट करते मस्ट, अभी स्पार्क का टीम जोन के अंदर जाने की कोशिश करेगा, जोन अच्छा है, टेक को वहां पर मस्ट नॉकआउट कर चुका है। तो सिनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के पास बहुत ही प्यारा एंगल है, देखने ये पड़ेगा। एंड वाइपर को वहां पर मस्ट ने पूरा क्लियर आउट कर चुका है, स्नैक ने हेड शॉट लेने की कोशिश थी स्पार्क के ऊपर लेकिन एंगल नहीं बना तो पीछे आ चुका है। एंड गाइस यहां पर वी आर डाउन टू टॉप 8 स्क्वाड गाइस, एंड टीम आर जी वहां पर एलिमिनेट हो चुके हैं, आई थिंक नहीं, आई थिंक 8 बीट का स्क्वाड वहां पर एलिमिनेट हो चुका है। यस, 8 बीट आई थिंक एलिमिनेट हो चुका है वो 8 नंबर पोजीशन पे, एंड स्काउट एंड टीम अभी भी एनएच के ऊपर एम करके बैठा है। जो मैंने बोला था थक भाई, अगर वो शैक के ऊपर जोन बन जाए तो ये लोग बहुत ऊपर जाने वाला है, वही ये लोग ऊपर जा रहे हैं थक भाई। अब अभी इन लोग जोन के बेनिफिट को उठा रहे हैं, वहां पे ओवेस नॉक होते हुए टीम एमएक्स के स्नैक से एक कार 98 का शॉट, अब यहाँ पे किसी एक को ओपन में आना होगा। यहाँ पे रौनक ने एसवाईएन के मस्ट को कंफर्म किया, एंड यहाँ पे एमएक्स की टीम इस बार शायद पोजीशन के लिए क्लियर किल ज्यादा निकाल नहीं पाए हैं, एक ही इन्होंने किल निकाला है। वहाँ पे गाड़ी बस शायद ऑलरेडी फूटी हुई है जिस गाड़ी से रौनक को कवर देना चाह रहे हैं, पर अगर नहीं है तो पर यहाँ पे उन लोग काफी डिस्टेंस में थे, आई थिंक ऑब्वियसली उनको पता है कि कितना सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए। रौनक वहाँ पे रिवाइव देते हुए, देखिए टीएक्स के पास अच्छा पोजीशन था, पर अभी जो इनको ओपन में पुश करके नीचे आना होगा आई थिंक इट्स गोना बी रिस्की, क्योंकि उनके सारे कार्स बस्ट हो चुके हैं। देखना होगा कि कितने देर तक इन लोग, या तो मेरे हिसाब से इनका बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है कि बाकी टीम्स को लड़के इन लोग वेट करने गाड़ी ब्लास्ट करते हैं। एंड एलेक्स वाईटी ने उधर क्लियर आउट कर चुका है परितोष को, एंड एलेक्स वाईटी प्ले जोन में गया, केओ ने उधर वेस्ट को भी नॉकआउट करते हुए स्नैक्स ने स्काउट को क्लियर आउट कर चुका है। तो आई थिंक रौनक वहां पर जोन के बाहर हिल बैटल करेगा, 6 स्काउट पे स्क्वाड पे आ चुका, 7 नंबर स्क्वाड नंबर एलिमिनेट हो चुका, दैट इज NH, एंड 6 पे गया है NH, आई थिंक बार नहीं जाना था हड़बड़ी की उसने, एंड यहां पे हो सकता है पूरी SYN की टीम इस हड़बड़ी का नतीजा पे करे। स्मोक एंड यहाँ पर क्यूरियो को भी नॉकआउट कर देता है, हिटमैन अपने टीम से लास्ट एंड सोलो सर्वाइवर, एंड उसके पास 9 फर्स्ट एड है, वो यहाँ पर हिट वेल्डर करने के लिए कोशिश कर सकता था लेकिन यहाँ पर उसके टीम से 2 बंदे नॉक है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्नैक्स यहाँ पर किल कन्फर्म करते हुए पूरा मैक्सिमस एक्स का स्क्वाड है, एम एक्स का स्क्वाड है पुश करते हुए सिनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हिटमैन के ऊपर, एंड यहाँ पर उसने चिकन डिनर लेके गया, लिटरली एक बंदा हिटमैन ऊपर हिल वेल्डर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन रिमेनिंग 2 बंदे बहुत ही खराब तरीके से नॉकआउट हो गए थे। तो यहाँ पर मेगा एक्स के लिए जो चिकन डिनर उन लोगों